कहां से है? कठौतिया, ये कहां पड़ता है? कवर्धा जिला से लगा हूं। ठाकुर जी के कहा, बड़े प्यारे हैं आपके ठाकुर जी। इन्होंने कुछ खाया है सुबह से? क्या खाया? यहां बैठो, यहां बैठो दोनों ठाकुर, बालाजी की तरफ। मिश्री खाया है। अरे वाह, अब ये आप ले लो, हमारे जी रखवा दें क्या वहां पंडित जी? हाँ, रामलला भी आ गए, अब कृष्णलला भी आने वाले हैं, समझ जाओ। बोलो जय सियाराम। जय सियाराम। हम माइक से बोल सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं बोलेंगे जो आपको बुरा लगे, ताकि सबको सुनने में आवे। माइक आप भी ले लो। राम, पहली हमें आपकी अर्जी लगाई, भक्ति बढ़ेगी, कृपा हो जाए। दूसरी अर्जी, भूत बाधा से परेशान है, पूरे शरीर में दिक्कत बनी, कंपन होता है, गंदी हरकत करता है प्रेत, पूरे शरीर को जकड़ लेता है, सवारी आती है, एवं कैरियर की अर्जी तीसरी लेकर के आई है, क्या जॉब मिलेगी अथवा नहीं, मन विचलित हो गया है, प्रेत हट जाएगा, वह परेशान नहीं करेगा, वह आगे आप जॉब योग पा पाएंगी, 2025 में 9वें महीने तक आशीर्वाद है। ये आपकी अर्जी एकदम सही। और जो तुमने कहा था कि तुम्हारी भक्ति स्वीकार है, या भक्ति में दम है, या हनुमान जी हैं, या वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे, या केवल बड़ों की सुनते हैं, या केवल हमारी नहीं सुनते, क्या हम इतने अपराधी हैं, ये जो तुमने पूरे मुंह चलाए थे, ये तुम्हारे मुंह भी बेफिजूली के हैं। और जो तुमने पर्चा फाड़ा था, चिट्ठी लिखी हुई पर्चे में फाड़ी हुई थी, जिसमें आपने अपने प्रश्नों को लिख करके रखा था कि अब जो तुम्हें करना हो सो करना, अब हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये डले पर्चे सही है गुरु जी। ये सभी प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं, आप भजन करो, धाम आओ, हम विधि करेंगे, टोटका कट जाएगा, आगे भविष्य आपका उज्जवल है, तंत्र कटेगा, आप पूर्णतया स्वस्थ रहेंगी बहना, और कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, आज ही प्रेतराज सरकार के दरबार में हम उपाय करेंगे। जय सियाराम। जय सियाराम। परिवार भी पीछे लगा, परिवार यहां से विवाह के कारण ईर्ष्या, छोड़ो, अब हम कुछ बताएंगे तो आप दोनों अलग हो जाओगी, इसलिए हमारे ना बताने में ही फायदा है, हमको ऐसा हमारे गुरुजी ने कहा। हमारी अभी आज्ञा नहीं है, आप अपने पति से अलग नहीं होंगे, क्योंकि पिताजी और परिवारजन तुम्हारे बहुत परेशान हैं और दिन ना रात इस बात को लेकर के रोते रहते हैं, इसलिए हम ऐसी कोई आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि हम किसी का घर बर्बाद करने नहीं बैठे हैं, जोड़ने बैठे हैं। तो हमें अपनी सीमा पता है कि हमें किस सीमा तक जाना है, किस हद तक बताना है, हमें ये पता है, इसलिए हम आपके और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग प्रकट ना करके एक शब्द में ये जवाब दे रहे हैं कि आप बहुत विनम्र हो, अपने जीवन को संभालो और अपने जीवन को ठीक लेकर के चलो, गृहस्थ जीवन को ठीक लेकर के चलो, भक्ति भी करो, प्रेत बाधा के लिए हनुमान जी बैठे हैं, लेकिन पूर्ण समर्पित भी हो, आप अभी तक समर्पित नहीं हो पाए गृहस्थ जीवन के प्रति, आप पूर्ण समर्पित हो, हनुमान जी दया करेंगे बहना, और जो भी तंत्र मंत्र वो हम पे छोड़ो, हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, उसको हम ठीक करेंगे, आशीर्वाद। अब तो नहीं है संदेह, चलो मेरी बहना खुश रहो, एकदम सही, खुश हो अब तुम, अब तुम रोना नहीं, अब तुम रोना नहीं, हम कर देंगे उपाय, बैठो आप। नहीं नहीं, प्रणाम नहीं हम करवाते, हमारा नियम है बहना, हम प्रणाम दूर से प्रणाम। सीताराम आप बैठो बहना वहां, हम अभी सरकार का दरवाजा, आपके ठाकुर जी वहां है पंडित जी के पास, अगला नंबर भेजिए। बोलो जय सियाराम।
दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम। पागलो, और पंडित आप प्रेतराज सरकार के दरबार में धाम पर भी आएंगे। हाँ, 21 पेशी का करना है, उसको नहीं छोड़ना पूर्णतया, नहीं तो कट नहीं पाएगा। रुक रुक के आ सकते 6 महीने। अच्छा, अभी फरवरी में 10 फरवरी को शनिवार पड़ रहा, अब मंगलवार को प्रेतराज सरकार का दरबार नहीं लगता है, शनिवार को लगता है, पूरा दिन प्रेतराज का उसमें लाना है। ठीक, उस बालक को पकड़ करके आगे लेकर के आओ, और पीछे भी जो प्रेत रोगी आ रहे हैं उनको आने दें, कोई भी रोकेगा नहीं और ना कोई डरेगा, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है तुम्हें। दोनों हाथ उठा के बोलो बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की। प्रेतराज दरबार के बाद में कथा प्रारंभ होगी। राम, इसे और चमीटा की मान लगाई जाए। तीनों पंडालों में जहां जहां प्रेत रोगी हैं उन्हें चमीटा की मान लगाओ सेनापति। ओम श्रीम राम 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 राम। ये बच्चा लिए ऊपर बैठा दो, छोटे छोटे बच्चा लिए, माता जी को भी ऊपर करो। हम फट राम राम राम। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की। इनको धक्का नहीं देंगे, इनको धक्का नहीं देंगे। और चमीटा मारो इन्हें, और चमीटा मारो। हे हनुमान जी महाराज, बागेश्वर बालाजी की सेना, जितना इन प्रेतों ने परेशान किया, परिवार को बर्बाद किया, हंसी उड़वाई, उतना ही इनको दंड दिया जाए चमीटा की मार से। इनके सिर में चमीटा मारे जाए। भैया उस पंडाल से कुछ रोगी आ रहे हैं उनको आने दिया जाए, वहां जगह कर दो, उनको आने दिया जाए। सेनापति कुछ और पीछे रह गए हैं उनको जकड़ करके लेकर के आओ। राम राम बोलो बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की, चमीटा वाले बाबा की। बाकी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े मत हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आनंद हो भैया, भेजो। आनंद हो, आनंद हो। राम, जरा और तेज उठापटक की जाए सेनापति। इन सभी प्रेतों के सिर में चमीटा मारे जाए। सिर में मारो चमीटा, सिर में मारो, सिर में मारो, भरा भर फट फट। जितना परेशान किया, जितनी बेइज्जती करवाई, इनकी जितने गुरुओं का तंत्र मंत्र है, इनके गुरु का, उस तंत्र मंत्र को कीलित किया जाए। ओम बम बागेश्वराय बीरबीराय हम फट स्वाहा। 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 ओम बागेश्वराय बम बीराय हम फट स्वाहा। जय श्री राम, बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की। राम
राम। सब लोग दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जितना भी तंत्र मंत्र है, टोटका है, गंदी शक्तियां हैं, चाहे हमारे ऊपर हो, हमारे परिवार के ऊपर हो, आज अपने दरबार में सबको जंजीर से बांधो, हनुमान जंजीर से बांधो, हनुमान जंजीर से बांधो, हनुमान जंजीर से बांधो, राम। अब सब लोग मंत्र बोलेंगे, ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा, ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। सेनापति, यहां जितने भी प्रेत रोगी बैठे हैं सबकी उठापटक तेज कर दो। अब और तेज करो, सबको जंजीर से बांधो। भैया दो नंबर पंडाल वाले कुछ प्रेत रोगी रह गए हैं, उनको आने देना। पंडित जी कहां गए? जल छिड़को सबके ऊपर, बालाजी का चरणामृत। इसको जरा खड़ा करो, पकड़ के सफेद शर्ट वाले को खड़ा करो, सामने वाला, ये जो सफेद शर्ट वाला है, खड़ा करो इसको। अब छोड़ो, जरा इसको छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, तुम छोड़ दो। इस पर और तेज प्रभाव किया जाए, और तेज प्रभाव किया जाए। तुम रहने दो बेटा, दूर हो, और तेज प्रभाव कर दिया जाए, और तेज उठापटक कर दी जाए, और जंजीर से बांधा जाए कसके। राम। बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की।